प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने व व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलन के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित ऑटोमोबाइल पर आधारित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। समापन समारोह में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर चंदेश्वर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 6 जिलों के करीब 59 नए अध्यापकों ने भाग लिया। 5 दिनों तक चले इस शिविर में अध्यापकों को ऑटोमोबाइल के बारे में स्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर चंदेश्वर शर्मा ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं से शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। कैसे बच्चों को जो है स्कूलों में हमें पढ़ाना है और किस प्रकार से वोकेशनल टीचिंग को हमने इफेक्टिव करना है, उस इफेक्टिवनेस के लिए ये वर्कशॉप रखी गई। इसमें हमारे पास जो है रिसोर्स पर्सन थे वो थे आए और उन लोगों ने इन टीचर्स को, न्यूली इंडक्टेड टीचर्स को इस सिस्टम के बारे में बताया, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, क्योंकि ये हमारे पास नए एंट्रेंट्स है एजुकेशन में। उस एजुकेशन के लिए इनको तैयार किया कि हमें किस प्रकार से आगे बच्चों को वेल इन्फॉर्म्ड एंड एनलाइटेंड एजुकेशन जो है देनी है, सो दैट हमारे पास जो नेशन है वो एक अच्छा नेशन बने और अच्छे बच्चे हमारे पास जो है आगे आए और अच्छा वर्क जो है कमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए ये करें। कार्यशाला के समन्वयक कमनीश ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यशाला में प्रदेश के 6 जिलों के नए अध्यापकों को ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करवाया जाता है ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। ये मॉड्यूल जो था वो ऊपर स्टेट लेवल से हमें आया था और उसी के अकॉर्डिंगली हमने रिसोर्स पर्सन जो थे वो फील्ड से लाए थे और ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के वोकेशनल ट्रेनर जो थे हमारे डाइट सोलन में आए थे। इसमें लगभग 59 पार्टिसिपेंट्स जो वोकेशनल पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस कार्यशाला का पूरी तरह लाभ उठाया। मेन ऑब्जेक्टिव इस TOT का यही था कि जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के वोकेशनल ट्रेनर जो हैं उनको अपनी फील्ड के रिलेटेड भिन्न भिन्न आइडियाज जो हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स फील्ड में फेस कर रहे हैं और जो नए नए आइडियाज हैं वो रिसोर्स पर्सन की हेल्प से मिलें ताकि वो बच्चों को आगे वर्क स्टेशन पे इम्प्लीमेंट करवा सकें।